वीडियो भैया सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जा रहा है और इसमें तेरे साथ मैं रानी होली खेलूंगा। लेफ्ट होके राइट भाई साहब गौर से देख लेना इस लड़की को। इस लड़की ने इस कोरोना काल शताब्दी में पिचकारी मार के शतक बना दिया है। अब बहनचोद हमारे पास तो पिचकारी नहीं है। भैया जी झूठ के बोल लो, पिचकारी है तो तुम्हारे पास। नो 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 गंदे आदमी, गंदे आदमी, गंदी नजर, अलमारी में जाके देखो। और भाई क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं मुठ्ठलों के दिल की शहजादी, छपरियों के दिल की रानी, जिसे हम जॉनी सिंस की मुंहबोली बहन भी बोल सकते हैं, जिसे हम इंस्टाग्राम रील्स की पोर्न स्टार भी बोल सकते हैं, और बड़ा हरामी हो बेटा, और जिसे हम डीजे, ये चूतिया दिख रहा है, डीजे मिनल की होने वाली वाइफ भी बोल सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? आपकी हमारी हम सबकी फेवरेट सूफिया अंसारी, uno dos tres se pone loca con el beat, सूफिया अंसारी, जिसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सॉरी 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 बाबू, मुझे माफ करो बाबू, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जिसे सिर्फ दिखाने के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती, ये बहनचोद करना क्या चाह रही है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, ये करना क्या चाह रही है। दीदी की तो ये वीडियो मेरे सर से निकल गई। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, दीदी को हिलाना दिखाना और लिपसिंग के अलावा कुछ नहीं आता, फिर भी दीदी को 3 मिलियन करीब लोग फॉलो करते हैं, कौन लोग हैं ये, कहां से आते हैं? यही वीडियो देख के हमारे देश के यार ठरकियों ने इसे फॉलो किया, और इसके चाहने वालों की कमी नहीं है, इसके चाहने वाले यही वीडियो देख के एक दूसरे को कत्ल करने तक को तैयार हो जाते हैं। सही बात। ये तो टट्टी है, जो तूने आज किया है वैसा ही कल तेरे साथ भी होगा, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कर्मा कहता है। कौन कहता है, कौन कहता है? ऐसा कर्मा कहता है। अच्छा ये बताइए कर्मा है कौन? कर्मा कौन? कर्मा। अच्छा कर्मा, कर्मा ही है। वैसे ना अच्छे खासे डायलॉग की मार चोद देती है, रख के ये इसके चेहरे का इंप्रेशन देखो जरा, ऐसा कर्मा कहता है, डायलॉग देखो जरा, जो तूने आज किया है वैसा ही कल तेरे साथ भी होगा, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कर्मा कहता है। सुना है बहुत घमंड है तुम में। मुझे भैया घमंड नहीं है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। कभी आओ मिलने। कोई नेता थोड़ी हूँ जो मैं मिलने आऊँ। मेरी गांड तोड़ोगी। मैंने सूफिया अंसारी के लिए वीडियो बनाया, सूफिया अंसारी मेरी गांड तोड़ देगी भैया, मैं डर गया। मैडम मेहनत करना बेकार है, कमर हिलाना भी बेकार है, क्योंकि तुझे भी अच्छे से पता है लोग तेरी कमर नहीं कुछ और देखते हैं।
खूबसूरत लड़के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई लव यू। मैडम ने बहुत अच्छा पार्ट दिया, लौंडो याद रखना। खूबसूरत लड़के को आई लव यू बोलते हैं और खूबसूरत लौंडिया को क्या बोलते हैं? आई लव यू। उसको भी आई लव यू बोलते हैं, याद रखना लौंडो, ठीक है? कितनों की जल रही है मुझसे, क्यों ना आज बारिश की जाए। लो, मैडम को गलत फहमी होगी कि मैडम बोल रही है कि इनसे लोग जलते हैं, इनसे कोई नहीं जलता है। जो तुमने इंस्टाग्राम रील को कंट्रोल पॉर्न साइड बना रखा है, लोग लोग उसके खिलाफ हैं, तुमसे कोई नहीं जलता। तुम्हें गलत फहमी हो गई कि लोग तुमसे जलते हैं, तुमसे जले लंड मेरा। मैडम की एक नहीं 1000 वीडियो देख सकते हो, हर वीडियो में हिलता हुआ दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अगर इंस्टाग्राम अश्लीलता की नगरी है तो उस अश्लीलता की नगरी की महारानी ये है। मैं तो तेरा नसीब, तभी तो मैं कहूँ इसकी हर वीडियो पे मुठ्ठलों का आना जाना क्यों लगा रहता है, इसे देख के कहीं मुझे बाथरूम में न जाना पड़ जाए। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे इसके लिए डायलॉग मुझे याद आया, चली को राग कहते हैं और बुजी को औक कहते हैं, और जो टिकटॉक ये इंस्टाग्राम पे मुजरा करते हैं उसे सोफिया अंसारी कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इसकी चाहे तुम एक वीडियो देखो चाहे 1000 वीडियो देखो, सेम वही दिखेगा, हिलाना दिखाना लिपसिंग। दो तीन वीडियो चला देता हूँ देख लो। जी ऐसी शुगर मेला लगाए रखो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अगर ऐसे काम करते रहे करोड़पति हो जाओगे। शुगर मेले का शुगर मेला काम का काम हो गया, लगाए रखो शुगर मेला। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ? वैसे ना इसका मुजरा देख के बुड्ढों के अंदर जवानी आ जाती होगी। बुड्ढे जवान हो जाते होंगे, बहनचो पूरी कौम का नाम बदनाम कर रखा है इसने, नंगा नाच ले। इसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सबको मिलेगा मजा, सबको, जिस छपरी को मजे करना है या जिस मुठ्ठल को मजे करने हैं, सूफिया अंसारी के इंस्टाग्राम को जाके देख लो, उसने अपने अकाउंट को पूरा पोर्न साइट बना रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ऐसा नहीं है अकेली सूफिया अंसारी ही अश्लीलता फैला रही है, उसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियां अश्लीलता फैला रही है, जैसे कि ये देख लो। तेरा 2 मिनट में निकल जाता है सूर्या, तेरा तो खड़ा ही नहीं होता, तू चेक करने आया था क्या? तेरी गर्लफ्रेंड ने बताया, दूर रह तू उससे, वो खुद आई थी मेरे पास, गलत कर रहा है तू, बाप को मत सिखा, एड्स है उसे, बिना कोंडम के सेक्स करने वाले एड्स है। 1 मिनट क्या बोला? इंस्टाग्राम पूरा की पूरा अश्लीलता की नगरी है, जिसकी महारानी सूफिया अंसारी और इन जैसी कुछ एक्स टिकटॉकर
चलिए दोस्तों आज की बकचोदी करते हैं यही खत्म। ये वीडियो किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं, पर्सनल नहीं, खाली एंजॉय के लिए बनाया गया है। अब कोई भाई या बहन ऑफेंड मत हो जाना। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी रही ये। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए बनाए मेहरबानी करके चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय, खत्म। के कलेजा दिखा देंगे। शादी से पहले सेक्स करना आपके हिसाब से सही है या गलत है? जो आजकल के जनरेशन के लिए ओके, बट एज आई एम फ्रॉम 90s, माय पेरेंट्स लाइक उनको अच्छा नहीं लगेगा ये सुनके। अच्छा नहीं लगेगा। एंड वो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे ऐसे शादी से पहले सेक्स कर ले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी नहीं चाहोगे? नहीं, मैं तो कर चुकी हूँ ऑलरेडी।